हाँ जी दोस्तों, कैसे हो? तो आज आप लोगों की डिमांड पर मॉक टेस्ट पेपर, इस अटेम्प्ट का, इट मीन्स मॉक टेस्ट पेपर वन में बात करूँ अभी न्यू कोर्स की। ओल्ड कोर्स वाले भी, ओल्ड सिलेबस वाले भी प्लीज़ देख लीजिएगा। और ये एमटीपी है मई 2020, और ये मुझे आपके साथ डिस्कशन करना है। लेकिन एक बात, डिस्कशन करने से पहले एक बात अच्छे से समझा दूँ। एमटीपी में काफ़ी कुछ क्वेश्चंस, 90% क्वेश्चन प्रैक्टिस मैनुअल से डला हुआ। प्रैक्टिस मैनुअल कौन सा? ओल्ड सिलेबस का। सर इट मीन्स सीधी सीधी बात है बेटे, ओल्ड सिलेबस का प्रैक्टिस मैनुअल से क्वेश्चन आ रहा है, और वो हमको करना ही करना है, क्योंकि क्वेश्चन न्यू सिलेबस के ऐसे में तो है ही नहीं है। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर एमटीपी करने का तभी फायदा है जब आपका एक ना एक बार हो चुका होगा एसएफएम कंप्लीट। तो मैं क्या करवाने वाला हूँ एमटीपी में, बिल्कुल ध्यान से समझ रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ, चाहे आपने मुझसे क्लास लिया हो या किसी और से क्लास लिया हो, प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन तो करवाए ही गए होंगे, और वो आपको समझ में आते हैं, वो आपने समझ लिया होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस इसमें डले हुए एमटीपी में जो पीएम में नहीं है, वो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, अच्छे से करवाऊंगा। तो मेरी जो जिम्मेदारी बनती है वो सिर्फ और सिर्फ न्यू क्वेश्चन पर जिम्मेदारी बनती है। ओल्ड क्वेश्चन जो कि पीएम के है, वो ऑलरेडी आपने मेरी क्लास में या किसी और क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैं पूरा एमटीपी डिस्कस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ नए क्वेश्चन के साथ डिस्कशन करूंगा। हाँ, मैं एक रेफरेंस दे दूंगा कि ये क्वेश्चंस कहां से उठाए गए हैं प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस मैनुअल की जो मैं बात करूंगा 2018 एडिशन की बात करूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं, और सबसे पहला क्वेश्चन ये दिख रहा है आपको एमटीपी का। और सर ये किस चीज का क्वेश्चन है? ये इंडियन कैपिटल मार्केट या डेरिवेटिव की बात करो, इंडियन ओल्ड सिलेबस में इंडियन कैपिटल मार्केट के नाम से प्रैक्टिस मैनुअल में चैप्टर डाला हुआ है, और उसका क्वेश्चन है ये इंटरेस्ट रेट कैप का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से करवाया गया है इसको। तो सर इसको हम कहाँ देख सकते हैं? अगर हमें देखना है तो बेटे आप इसको देख सकते हो, मैंने लिख रखा है, ये आपको इंडियन कैपिटल मार्केट में क्वेश्चन नंबर 75 और पेज नंबर 5.69 पे मिलेगा सेम क्वेश्चन। तो मैं बस आपसे ये बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1A आप लोग वहाँ से चेक करोगे। इस क्वेश्चन पे मैं कोई डिस्कशन नहीं करूँगा, और शायद ये क्वेश्चन तो मेरा यूट्यूब मेरे चैनल में डला होगा, तो टेंशन नहीं करो। आगे चले सर, यस, तो हम लोग अब आगे चल रहे हैं। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 1B की बात करूँगा। क्वेश्चन नंबर 1B दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1B कहाँ से उठाया गया? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। और ये भी क्या हमारे टीचर ने करवाया होगा? हाँ बेटे, हाँ पक्का, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्वेश्चन नंबर आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 23 और पेज नंबर 7.28। कहाँ से देखोगे? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आप ये टॉपिक देखोगे। तो मुझे क्वेश्चन नंबर 1A और 1B पर डिस्कशन नहीं करना। हाँ, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको हो सकता समझ में ना आए, तो वो मुझे कमेंट्स में लिख देना कि सर ये क्वेश्चन हमको आ नहीं रहा, हमने पहले क्लास लिया हुआ पर समझ में नहीं आ रहा, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन, मैं लिंक शेयर कर दूंगा कि कहाँ है। सी थियोरेटिकल है, पिच प्रेजेंटेशन का, स्टार्टअप फाइनेंस का, तो ये आप देख लोगे। ठीक है सर, सर आगे चले। हाँ बेटे, क्वेश्चन नंबर 2A ये मुझे करवाना है, यह कहीं प्रैक्टिस मैनुअल में नहीं है, कहीं सजेस्टेड में नहीं है, ये क्वेश्चन मुझे करवाना है, फॉरेक्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2A मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं क्वेश्चन नंबर 2A करवाऊंगा। ठीक है सर, अभी करवा दो सर, अभी ही करवा रहा हूँ, बस एक बार मैं बता दूँ कौन कौन से क्वेश्चन करना है, फिर स्टार्ट कर देते क्वेश्चन करना। ठीक है, तो 2A करना है सर, आगे चलते हैं। 2A फॉरेक्स का क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन नंबर 2B बेटे, 2B आपका सिक्योरिटी एनालिसिस में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 2B, बॉन्ड वैल्यूएशन का क्वेश्चन है, और ऑलरेडी प्रैक्टिस मैनुअल में कवर है, इसलिए सर कहाँ मिलेगा प्रैक्टिस मैनुअल में? क्वेश्चन नंबर 42 मिलेगा प्रैक्टिस मैनुअल, पेज नंबर 6.46। ठीक है, तो इसकी भी मुझे ये भी क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली मुझे 2A करवाना है अच्छे से। आगे चलते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन डाला है, ये नया क्वेश्चन है, प्रैक्टिस मैनुअल में नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 3A मुझे करवाना है। इसी क्लास में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3A भी करवाऊंगा। आगे चले क्वेश्चन नंबर सर 3B मनी मार्केट कवर लीडिंग एंड लैगिंग का क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस में मैंने चेक ही नहीं किया क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन है कि कोई भी इजिली कर लेगा, तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं करवाऊंगा। ओके सर, इसमें कुछ है ही नहीं, आप सीधा सीधा देख कर काम कर सकते। सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर 4A म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन है, RTP का क्वेश्चन है सर जी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि करवाऊं कि नहीं करवाऊं, पर बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट है सर म्यूचुअल फंड का ये क्वेश्चन प्लीज करवा दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4A में करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर सर 4B का क्या सीन है, BSM आपका इंडियन कैपिटल मार्केट, तो सर कहाँ देखने को मिलेगा 4B आपको क्वेश्चन नंबर PM में देखोगे, क्वेश्चन नंबर 57 और पेज नंबर 5.45, वहां से आप रेफर कर सकते हो। हालांकि सॉल्यूशन दिया ही है MTP में, आप वहां से भी ले सकते हो। ठीक, 4B सर। क्वेश्चन नंबर 5A एग्जाम का क्वेश्चन सर करवा दो प्लीज सर। गियरिंग ऑफ बीटा, बेहतरीन टॉपिक, बिल्कुल समझने में मजा आ जाता है। गियरिंग ऑफ बीटा, जो लोग मेरी क्लास किए हुए वो उनको सिक्योरिटी एनालिसिस में गियरिंग ऑफ बीटा करके बहुत बड़े सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। पर इस क्वेश्चन के लिए भी वैसे तो मैं बोल सकता हूँ एग्जाम में आया हुआ तो पक्का आपके टीचर ने करवाया होगा, पर ये क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा कॉन्सेप्ट के साथ करवाऊंगा। ठीक है, तो बस आप देखते जाइए फिर काम होते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5A भी मुझे करवाना है। क्वेश्चन नंबर 5B तो आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्वेश्चन है और ये हर टीचर ने करवाया होगा, जरूरत ही नहीं है। और सर कहाँ मिलेगा ये कौन सा 5B? 5B आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 46। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ मिल जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ओके सर। अब आगे चल रहे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 ये क्वेश्चन मैं करवा दूंगा और क्वेश्चन नंबर 6A करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6B भी मैं आपको बता देता हूं कि ये क्वेश्चन आपको कहां मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6B के लिए आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 21 और पेज नंबर 11.17 और कहां डला ये FDI करके एक चैप्टर है, FDI वहां मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो अगर मोटे बाकी तो कुछ है नहीं है, इसके बाद हमारा काम खत्म हो गया। ये आपका MTP खत्म हो गया और ये तो बड़ा क्वेश्चन है, बस खत्म। इट मीन्स ज्यादा टेंशन नहीं, मुझे दो चार क्वेश्चन करवाने हैं। तो अब लोग हम एक काम करते वन बाई वन क्वेश्चन डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2A की, सबसे पहले वही कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन और क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं कि क्या है क्वेश्चन। बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, देखो, द ट्रेजरी डेस्क ऑफ अ ग्लोबल बैंक इनकॉर्पोरेटेड इन यूके। ठीक है, तो ऐसा है कि कोई बैंक है और बैंक कहाँ की है, यूके की है। सर बैंक बना ले क्या? यस, ये हो गई बैंक और बैंक कहाँ की, यूके की। टू इन्वेस्ट GBP 200 मिलियंस पाउंड रखे उनके पास, 200 मिलियंस और पाउंड कब रखे है, 1 जनवरी 2019। इस बैंक के पास पाउंड है GBP 200 मिलियंस। ठीक है, इसको इन्वेस्ट करना है और इन्वेस्ट की डेट कब है, 1 जनवरी 2019 को इन्वेस्ट करना फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। एक्सेस रखा होगा कितना पाउंड, 200 मिलियंस, और उसको इन्वेस्ट करना है बोल रहे। ठीक है, आगे क्या लिखा। अब इन्वेस्टमेंट के लिए दो ऑप्शन दे रखा, फर्स्ट एंड सेकंड। पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1, इन्वेस्टमेंट। द इक्विटी ट्रेडिंग डेस्क इन जापान,
बोले आप यार जापान में इन्वेस्ट कर दीजिए, जापान में कहाँ आप इक्विटी खरीद लीजिए, इक्विटी में ट्रेड कीजिए। सर ये तो बड़ा रिस्क है। हाँ करो ना यार, कमाओ ज़्यादा अच्छा है। तो 200 मिलियंस हम लोगों को पाउंड है जापान में इन्वेस्ट करना है। तो सर जी जापान में तो पाउंड तो चलता नहीं है। यस, तो करेंसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। जापान में कौन सी करेंसी चलती है? येन। अच्छा तो येन में कन्वर्ट करेंगे। किस रेट पे करेंगे? रेट नीचे दिया हुआ, वो बाद में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो बोले हम इक्विटी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। इक्विटी शेयर खरीदेंगे, ओके। कितने पीरियड के लिए रखना? 6 महीने तक के लिए, ओके, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में? इन हाई डिविडेंड यील्ड जापानी सिक्योरिटीज, जापानी सिक्योरिटी जिसमें हाई डिविडेंड मिलेगा, अच्छी बात है भाई, डिविडेंड इनकम भी तो होगी। और लिखा है अर्न डिविडेंड इनकम जैपनीज वाई 1182 मिलियंस। बताइए भाई, अच्छा काम है, बड़ा सिंपल है। सुनना ध्यान से, आपके पास 200 मिलियंस पाउंड है, आप उसको कन्वर्ट करवाइए किसमें? येन में, जैपनीज येन में। और उससे इक्विटी शेयर्स खरीद लीजिए, कहाँ के? जापान के। इक्विटी शेयर जापान में इन्वेस्ट कर दिया, और बदले में उस इक्विटी शेयर्स पे आपको क्या मिलेगा? डिविडेंड। तो डिविडेंड भी तो येन में ही मिलेगा। यस, कितना? 1182, ठीक है। यहाँ तक द डिविडेंड आर डिक्लेयर्ड एंड पेड ऑन 29 जून। चलो भाई, एक दिन पहले आपको डिविडेंड मिल रहा है, एक दिन पहले। अगर सर पहले मिल जाता तो फिर पिक्चर में, और फिर हम उसको इन्वेस्ट करते, उस पर इंटरेस्ट कमाते। इसलिए भाई साहब क्वेश्चन में क्या कर दिया, बोले जस्ट जब आपके 6 माह पूरे हो गए ना, उसे जस्ट पहले पहले डिविडेंड मिल जाएगा। उसको इन्वेस्ट वाला तो उसका आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी की तो दिक्कत ही नहीं है, 6 महीने बाद आपको डिविडेंड मिलने वाला है। पोस्ट डिविडेंड द सिक्योरिटी आर एक्सपेक्टेड टू कोट अ 2% डिस्काउंट। कोई शक ही नहीं, 29 जून को आपको डिविडेंड मिला, 30 जून को आप जो शेयर्स उसको बेचोगे, और बेचोगे तो बोले जितने येन का आपने खरीदा है उतने येन नहीं, उसमें 2% सस्ता हो जाएगा, बोल रहा डिस्काउंट, देख लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन लिखी हुई, इसको ठीक से पढ़ना। द डेस्क आल्सो प्लान टू अर्न जैपनीज येन 10 मिलियंस ऑन स्टॉक बोरिंग एंड लैंडिंग एक्टिविटी बिकॉज ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट। अब ये बात आपको समझना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान से समझना पड़ेगा कि क्या है। सुनना ध्यान से मेरी बात, टाइम लग जाने दो। मैंने क्या किया, मैंने इक्विटी शेयर्स खरीद लिया, या इक्विटी शेयर्स मान लो, ये इक्विटी शेयर्स, ठीक है सर, इक्विटी शेयर्स खरीद, कहाँ के खरीदा? जापान के खरीद लिया। कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया? 6 महीने के लिए इन्वेस्ट कर दिया। मैंने कहा यार 6 महीने के लिए लगा दो इक्विटी में, ठीक है। क्या इन शेयर्स पे क्या मुझे डिविडेंड मिलेगा? यस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 6 महीने बाद डिविडेंड भी आएगा, और इन शेयर्स को बेच दूंगा, वहां से भी पैसा आएगा, और उसको मैं कन्वर्ट कर लूंगा, बात खत्म। लेकिन अब एक पिक्चर और है। सर जी आपने जो इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं, क्या आप इसको पक्का 6 महीने तक होल्ड करके रखोगे? हाँ, 6 महीने के लिए तो इन्वेस्ट करना है। तो क्या आप इसको सिक्योरिटी को किसी को उधार दे सकते? स्टॉक लैंडिंग एंड बोरिंग स्कीम, अब समझ रहा हूँ सर, कोई उधार दे बेटे, बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, बड़ा पिक्चर है इसमें। मान लो मैं सामने वाला, मैं जापान में ही रहता हूँ, बिल्कुल ध्यान, मैं जापान में ही रहता हूँ, ठीक है। और मेरे मन में क्या रहा, मेरे मन में आया यार जो जापानी सिक्योरिटी है, हमारे यहाँ की जो सिक्योरिटी, मैं जापान का बंदा हूँ, हमारे यहाँ की जो सिक्योरिटी है उसके प्राइस गिरने वाले हैं, उसके प्राइस कम होने वाले, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गया इस बैंक के पास, गया, मैंने कहा बैंक बैंक आपके पास जापानी सिक्योरिटी है क्या? बोले हाँ। तो मैंने कहा प्लीज आप मुझे उधार दे दो, उधार। बोले आप क्या बेचोगे बीच में जापानी, ये वाली बैंक क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, हम तो 6 महीने तक रखने वाले वैसे भी, तो मैं इनसे बोलूंगा प्लीज मुझे ना वो सिक्योरिटी उधार दे दीजिए, 6 महीने बाद मैं आपको वो सिक्योरिटी वापस करूंगा, बात खत्म। मेरे मन में क्या रहा, मेरे मन में आया यार कि आज खरीद लेता हूँ, और आज खरीद के इसको आज खरीद लेता हूँ, खरीद लिया, खरीद नहीं, आज उधार ले लेता हूँ, उधार ले लिया और इसको महंगे में बेच देता हूँ बाद में, क्योंकि अभी रेट मुझे मालूम है बाद में सस्ती होगी,
और बाद में इनको कम पैसों में खरीद के इस बैंक को वापस कर दो, बात खत्म। ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, जिसे शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं या बोलते हैं स्टॉक लैंडिंग एंड बोरिंग स्कीम। तो अब मैं ये बैंक बन रहा हूँ, मैंने कहा भाई मेरा क्या फ़ायदा, आप मुझसे सिक्योरिटी उधार ले लोगे, आप उधर बेच दोगे और बदले में फिर क्या होगा, आप मुझे सस्ते में खरीद के मुझे वो सिक्योरिटी का सिक्योरिटी, ये शेयर का शेयर मुझे 6 महीने बाद वापस कर दोगे, ओके, पर मैं आपको क्यों दूँ, पैसे ले लो बोलता। और पैसे कितना देने को तैयार हो गए, जैपनीज येन 10 मिलियंस देने को तैयार हो गए सामने वाला। वाह सर मजा आ गया, इट मीन्स कि मुझे जो सिक्योरिटी में मैं आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे छः महीने बाद अगर मैं इसको उधार दे देता हूँ तो 6 महीने बाद वही सिक्योरिटी की सिक्योरिटी वापस आ जाएगी, बात खत्म। और बदले में मुझे किराया भी मिल जाएगा 10 मिलियन येन। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ठीक है सर। तो ये तो बात हो गई सर, ठीक है, थोड़ा सा लंबा खींच गया पर ज़रूरी था स्टॉक लैंडिंग में। सर एक बात बताओ, एक बात सिंपल सी, ये जो है डिविडेंड किसको मिलेगा सर फिर? आप तो बड़ी बड़ी बातें कर लिए, आपने सिक्योरिटी खरीदा, हाँ, ये सिक्योरिटी आपने किसी को उधार दे दिया, जी, उसने इस सिक्योरिटी को बेच दिया होगा किसी और को, हाँ, तो अब डिविडेंड किसको मिलेगा? आपको मिलेगा कि उसको मिलेगा कि जिसने खरीदा उसको मिलेगा? अब तो यहाँ कुछ भी बात कर रहे हो, बट सीधी सीधी सी बात है, डिविडेंड तो उसी को मिलेगा जिसके पास ये सिक्योरिटी होगी, और ये सिक्योरिटी तो सामने वाले पर्सन के पास है, तो फिर डिविडेंड मुझे देगा? जिसने मुझसे उधार लिया था ना सिक्योरिटी, उससे मैं डिविडेंड का भी पैसा लूंगा, सीधी सीधी बात। कंपनी देगी, कंपनी किसको? उसको देगी, पर डिविडेंड का पैसा तो मुझे इधर से मिल जाएगा, कंपनसेशन मिलेगा, इट मीन्स मुझे रेंट भी मिलेगा और डिविडेंड भी मिलेगा। अगर आपको डिटेल में समझना है तो मैंने समझा रखा स्टॉक लैंडिंग एंड बोरिंग स्कीम, वहां से बात समझ में, ठीक है। जापान में पैसा लगाते हैं, अगर मैं जापान में पैसा लगाता हूँ, जापानी सिक्योरिटी में पैसा लगाता हूँ, आज खरीदता हूँ बाद में बेचूंगा, सस्ते में बेचूंगा, पर दो चीज़ की इनकम होने वाली है, कौन कौन सी इनकम होने वाली है? एक तो डिविडेंड मिलने वाला है और एक ये चार्ज मिलने वाला स्टॉक लैंडिंग एंड बोरिंग स्कीम का जो है ना एक्टिविटी जो होगी उस पर कुछ रेंट वेंट मुझे पैसा मिलेगा, चार्जेस, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, सिक्योरिटी टू बी सोल्ड ऑन 29 जून को सिक्योरिटी सोल्ड कर देंगे, T+1 सेटलमेंट होगा, मतलब एक दिन बाद सेटलमेंट होगा और मुझे पैसा मिल जाएगा और ये पैसा मैं लेकर यहाँ आ जाऊँगा, ठीक है, अच्छी बात है। दूसरा क्या है देख लेते, दूसरे में दूसरा ये बोल रहे हैं, या तो आप US में इन्वेस्ट कर दीजिए, फिक्स्ड इनकम डेथ ऑफ US, मतलब यहां फिक्स्ड इनकम मिलेगी, फिक्स्ड कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी में 5% इंटरेस्ट मिलेगा साल भर का, तो 6 महीने का हो गया 2.5%, ये अच्छा, इसमें टेंशन है नहीं। US में इन्वेस्ट करना तो किस में इन्वेस्ट करोगे, क्या पाउंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं? नहीं, डॉलर में, तो पहले डॉलर में कन्वर्ट करोगे और फिर आपको इंटरेस्ट लेकर वापस आ जाइए। बस एक बार बताओ, रिस्क किस में जाता है? रिस्क इसमें, रिस्क है, थोड़ा सा रिस्क तो है भाई, बाद में क्या होगा, आपको डिविडेंड मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत इसमें बिल्कुल रिस्क नहीं है अगर मैं देखूं तो, ये थोड़ा सा इसमें इन्वेस्ट करने से फ़ायदा है। पर देख लेते हैं, रेट वेट दिया, 1 जनवरी का स्पॉट रेट दिया, 30 जून का रेट दिया हुआ, फॉरवर्ड रेट, आपको एडवाइस करना है कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन सा है और आपका डिसीजन बताना है, ठीक है, रिस्क परस्पेक्टिव से भी बोल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, तो सबसे पहले लिखते हैं ऑप्शन नंबर 1, इन्वेस्टमेंट
कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहला डॉट लगा। कन्वर्ट पाउंड 200 मिलियन जापानीज वाई एट स्पॉट रेट। अब स्पॉट रेट दिख रहा है 1 जनवरी 2019 का 148 जीबीपी जेपीवाई करेंसी पेयर दे रखा, मतलब सीधा सीधा दिख रहा एक पाउंड इज इक्वल टू इतना ही है, नहीं तो कॉमन सेंस से वैसे भी आप काम कर लो। देख लेते हैं पाउंड 200 मिलियन इनटू 148.002 है क्या, ट्रिपल जीरो चेक करो कितना आ रहा, 200 इनटू 148 आ गया जैपनीज येन 29600.05। ठीक है, आपने इतना इन्वेस्ट कर दिया, अब आपको इनकम स्टार्ट हो रही है, कैश इनफ्लो बोल सकते हो, कैश इनफ्लो इजी है। एक तो आपको क्या मिलेगा, डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम कितना मिलेगा ये 118। इसके बाद आपको और क्या मिलने वाला, डिविडेंड डिक्लेयर्ड और सिक्योरिटी आर एक्सपेक्टेड टू द डेस्क अर्न जेपीओएस स्टॉक बोरिंग, स्टॉक बोरिंग चार्ज ये भी आपको मिलेगा, स्टॉक बोरिंग इनकम जो भी होगी 10 मिलियन ये हो गई। इसके अलावा इसके अलावा आपको क्या मिलने वाला है, इसके अलावा मिलने वाला है तो अब देखना क्या है, एक तो ये हो गया डिविडेंड इनकम, दूसरा हो गया स्टॉक बोरिंग चार्जेस। अब भाई ऐसा है कि सेल तो करोगे, तो सेल ऑफ सिक्योरिटीज येन 2,9600.04 इंटू 98% 2% डिस्काउंट पर 2,9008.0392। तो टोटल कैश इनफ्लो कितना प्लस 10 प्लस 1182 तो ये आ गया ये 302.0392। ठीक है यहाँ तक, ठीक है सर। तो अब ये जो इनकम है ये तो येन में है, और इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना, अब ये भाई येन जापान में रहने थोड़ी देंगे, उसको लेके आएंगे तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो भी लिख लेते कन्वर्ट कैश इनफ्लोस इन पाउंड एट फॉरवर्ड रेट, तो डिवाइड करना पड़ेगा 302.00.0392 डिवाइडेड बाय फॉरवर्ड रेट है 150, तो पाउंड निकल के आ जाएगा 302.00.0392 डिवाइडेड बाय 150। तो बेटे ये आ गया पाउंड 201.38
तो सीधी सीधी बात है कि आपका इनकम कितनी हो रही है, इनकम यहां मैं यहां लिख देता हूं, इनकम कितना लगाया था 201.33 माइनस इतना आया और लगाया कितना था 200। आपका थोड़ा सा राउंड फिगर में 300.0039 डिवाइडेड बाय 201.3336 ले लेते हैं, ये आ गया 1.3336। दिस इज गेन या इनकम। तो ये था मेरा ऑप्शन नंबर वन। अगर आप कहाँ इन्वेस्ट करते हो, अगर आप जापान में इन्वेस्ट करते हो। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर टू की। तो अब लेते बेटे ऑप्शन नंबर टू। ऑप्शन नंबर वन हो गया, अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर टू। इन्वेस्टमेंट इन यू, ये इजी है, इसमें ज्यादा टेंशन है नहीं। यूएस में इन्वेस्ट करना है तो काम क्या करोगे, चला देख लेते हैं। सबसे पहले यहां भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट पाउंड 200 मिलियंस इन यूएस डॉलर एट स्पॉट रेट कितना चेक करो, क्वेश्चन इधर स्पॉट रेट ये दे रखा है बेटे 1.28। चेक करते हैं डॉलर कितना जाएगा, 200 इंटू 1.28 तो ये आ गया डॉलर 256। इसके अलावा और क्या मिलेगा, इंटरेस्ट इनकम, डॉलर 256 इंटू 5% इंटू 6/12 तो यह आ गया डॉलर 6.40। तो चेक करो कितना डॉलर है, तो आ गया डॉलर 262.40। अभी क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट डॉलर 262.40 इन पाउंड एट फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड रेट क्या है सर, 1.30331 आ गया पाउंड 201.3335। तो यहाँ इनकम कितना होगा, बस वो लिख लेते, जीरो वन पॉइंट थ्री 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 फाइव माइनस पाउंड 200, तो पाउंड 1.3335। तो अब बताओ बेटे इन्वेस्टमेंट करना कहाँ अच्छा है, यहाँ इनकम कितनी है 1.3335 और यहाँ इनकम 1.3336। बिल्कुल अजीब सी बात है कि इन दोनों में से इतना सा डिफरेंस है, इतना सा। सर अगर हम राउंड ऑफ करते तो दिक्कत में पड़ जाते। बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना अच्छा है, नो डाउट कि इन्वेस्टमेंट जापान ऑप्शन नंबर वन इज बेटर। लेकिन अब कुछ बच्चे ऐसे भी तो होंगे कि सर इन्वेस्टमेंट मान लो अगर हम राउंड ऑफ नहीं करते दोनों इक्वल आ जाता, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आपके एमटीपी में ये भी दे रखा है अल्टरनेटिव
कि अगर दोनों जगह इक्वल है तो आप कहीं भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, पर अगर रिस्क के हिसाब से बात करो तो रिस्क कम किस में है, इसमें रिस्क ज़्यादा है, इसमें तो सही नहीं है, इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है, ये मिलना ही मिलना है और ये फॉरवर्ड रेट पे कन्वर्ट हो गई होगा, इसमें तो रिस्क है। तो अगर इस हिसाब से देखूँ तो इन्वेस्टमेंट करना, अगर दोनों में इक्वल आ रहा, आपने राउंड ऑफ कर रखा, दोनों में इक्वल आ रहा है, तो US में इन्वेस्ट करो भाई, खुश रहो। और अभी भी मैं यही डिसीजन दूंगा रिस्क के प्रोस्पेक्टिव से कि US में इन्वेस्ट करो, पर आंसर इसमें ज्यादा आ रहा है तो इन्वेस्टमेंट यहां बैठे। इसके बाद भी क्वेश्चन करवाने पर लेक्चर लंबा हो जाएगा, अगले जब भी अगला मेरा वीडियो डालेगा उसमें बाकी के क्वेश्चन कर लेंगे।